हेलो दोस्तों, पवन चल स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं टॉप फाइव बेस्ट बैडमिंटन फेदर शटल्स अंडर 1600 रुपीज़। लेकिन रुकिए, स्किप करने से पहले यहां पे आपको ये बता दूं कि आज मैं आपके साथ कुछ कूपन और लिंक जो है वो शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपको आपकी फेवरेट फेदर शटल्स जो हैं वो 20% तक के डिस्काउंट पर मिलेंगी। और दूसरी बात यह कि कैसा हो अगर इसी प्राइस ब्रैकेट में आपको मिले टॉप क्वालिटी की टूर्नामेंट लेवल की गूस फेदर शटल्स। और हम जानते हैं गूस फेदर शटल्स जो हैं वो डक फेदर शटल्स से उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी वो बेहतर होती है। और यहाँ पर है लीनिंग की स्ट्राइक फेदर शटल कॉक। तो लुक एंड फील की अगर हम बात करें तो फिनिशिंग काफ़ी डिसेंट है, हालांकि मैं कहूँगा एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लेकिन डिसेंट है। वही मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर मिलता है डक फेदर्स मिलते हैं और कॉर्क जो है वो कॉम्पोजिट कॉर्क का, मतलब सिंथेटिक और नेचुरल कॉर्क का मिक्सचर। परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी, फ्लाइट और कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो फ्लाइट इसकी स्टेबल है जब तक राइज कर रही है और जब तक फॉल होना शुरू नहीं होती जब हम टॉस करते हैं। लेकिन जब ये टॉस के बाद जब फॉल हो रही होती है तो उस टाइम पे इसकी फ्लाइट जो है वो कभी कभी जो है डिविएट हो जाती है, मतलब कंसिस्टेंट जो है मैं नहीं कहूँगा कि उसका फॉल रहता है। एक 50 सेंटीमीटर का दायरा जो है हम लोग एक्चुअली लेते हैं जिसके अंदर जो है वो गिरती है, तो 30-40% इसमें जो शटल्स थी वो एक्यूरेटली उसमें गिरी, बाकी जो थी वो दायरे की या तो कोने पर या थोड़ा बाहर गिरी। और हम ये भी जानते हैं कि अक्सर ह्यूमन एरर भी होता है, तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस मुझे इंप्रेसिव लगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैक ऑफ द कोर्ट से हिट करते हैं और थर्ड लाइन के 15 सेंटीमीटर आगे और पीछे, ये 30 सेंटीमीटर का दायरा, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में अगर शटल गिरती है तो इसका मतलब शटल एक्यूरेट है। तो इसमें यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस इंप्रेसिव था क्योंकि ज़्यादातर शटल वो उसी दायरे में गिरी। तो यहाँ पे देखिए, ये शटल जो है इसके तीन फेदर्स टूटे और ये 13 या 14 पॉइंट की गेम थी। और मैंने सिर्फ, मुझे लगा कि शायद हो सकता है एक शटल का प्रॉब्लम, लेकिन और भी शटल जो है उनका भी कुछ हाल ऐसा ही था। और एक चीज़ जो सब में कॉमन थी वो ये थी कि एक फेदर टूटते ही इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉबलिंग आ जाती है, स्पेशली जब हाई टॉस करते हैं तो वॉबलिंग ज़्यादा दिखती है। अगर आप फ्लैट शॉट्स मारते हैं तो वॉबलिंग थोड़ी कम दिखती है, लेकिन वॉबलिंग कम या ज़्यादा सभी में आपको थोड़ी सी ज़रूर मिलती है। इस शटल की कॉस्ट कुछ 850-890 तक जो है सेल में आपको मिल जाती है और नॉर्मली 1200 रुपये के आसपास जो है आपको अवेलेबल हो जाती है। लेटेस्ट डिस्काउंट लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और अगर आप लीनिंग की साइड से लेना चाहेंगे तो मेरा कूपन कोड PAVANSS का यूज़ करेंगे तो एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। फाइनल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आप एक बिगिनर हैं, बिगिनर प्लस हैं, बिगिनर इंटरमीडिएट के बीच में हैं, क्लब रिक्रिएशनल लेवल पे या ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस शटल को यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 गेम जो है वो चल जाएंगे। अगर आप इसे ह्यूमिडिफाई करेंगे तो डेफिनेटली कुछ पॉइंट जो है और चल जाएगी। और यहाँ पर है 100x50 फ्यूजन शटल, हाइब्रिड शटल कॉक और क्लब लेवल की है, मेंशनड है यहाँ पर। लुक एंड फील की अगर हम बात करें तो इसकी फिनिशिंग डेफिनेटली मुझे लीनिंग स्ट्राइक से बहुत अच्छी लगी, बेटर लगी। और हाइब्रिड है तो मैं आपको बता दूं कि जो ये नीचे की स्कर्ट का आधा हिस्सा है वो नायलन का है। जी हाँ, बिल्कुल जैसे आपको यहाँ पे एक नायलन की शटल मिलता है, यहाँ तक पूरा नायलन की फिनिश है जिसमें यहाँ पे ग्रूव्स बनाए हुए हैं और उसके अंदर जो है ये डक फेदर्स हैं जिन्हें इंड्यूस किया है ग्लू से और कंप्रेशन से डाला गया। वहीं अगर मैं कॉर्क की बात करूँ तो ये भी कॉम्पोजिट कॉर्क है, सिंथेटिक और नेचुरल कॉर्क का मिक्सचर। तो राइजिंग फ्लाइट और ड्रॉपिंग फ्लाइट जो थी वो दोनों कंसिस्टेंट थी, बहुत ही मार्जिनल डिविएट हुई थी उसमें। 50% जो शटल्स हैं वो एक्यूरेसी जो थी उनकी बिल्कुल अच्छी थी, बाकी जो थी वो बाउंड्री है, बाउंड्री से थोड़ा बाहर जो है वो लैंड की, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे लीनिंग स्ट्राइक से जो है वो बेटर लगी। जैसे मैंने बताया कि बैक ऑफ द कोर्ट से थर्ड लाइन क्लियर और ये 15 सेंटीमीटर के दायरे में जो है अधिकतर शटल्स जो हैं वो इसी दायरे में गिरी, तो मतलब ये कि काफ़ी हद तक जो है इसकी एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन्ड है। ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा ये नई शटल नहीं है, डेफिनेटली एक गेम खेली हुई शटल है, एवरेज सिंगल इंटरमीडिएट गेम। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका एक फेदर जो है ये डिस्टॉर्ट हो गया अपनी जगह से और यहाँ पे फ्लफिंग है फेदर्स के ऊपर और एक फेदर जो है वो थोड़ा सा जो है टिप से ये टूट गया है। लेकिन जब हमने एक और शटल को यूज़ किया तो एक गेम के बाद दूसरे गेम के आधे में उसका हाल कुछ ऐसा हो गया। जी हाँ, किसका एक फेदर टूटने के बाद इसमें वॉबलिंग नहीं आई और वॉबलिंग इसकी तब शुरू हुई जब ये एक फेदर जो है वो लटक गया इस तरह से, तब इसकी वॉबलिंग जो है वो शुरू हुई। कॉस्ट ऑफ फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट जो है आपको कुछ 1100-1200 की मिल जाती है। लेटेस्ट डिस्काउंट लिंक्स ये शेयर कर दूंगा, अगर 100 की साइड से लेंगे तो मेरा कूपन कोड PAVANSS का यूज़ करेंगे तो एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आप एक एवरेज इंटरमीडिएट हैं या एंट्री लेवल इंटरमीडिएट हैं तो ट्रेनिंग के लिए, क्लब लेवल के लिए, रिक्रिएशन लेवल के लिए आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस जो है इसकी अच्छी आएगी।
और यहाँ पर है योनिक सनराइज अटैक, या फिर आप कह सकते हैं सनराइज अटैक 80D। लुक एंड फील की अगर हम बात करें तो सीधा इसको सबसे पहले जब मैंने ट्यूब से निकाला तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने योनिक्स ACB TR क्लब जो है उसका कोई इन्फीरियर वर्जन या उसका एक दूसरा वर्जन जो है वो उठा रखा है। फेदर जो है मिलते हैं आपको डक फेदर, और वहीं कॉर्क जो है वो है कॉम्पोजिट कॉर्क। तो राइजिंग फ्लाइट की बात हो या ड्रॉपिंग फ्लाइट की हो, इसकी कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो बैक ऑफ द कोर्ट से जब थर्ड लाइन पे हमने हिट किया तो थर्ड लाइन की 15 सेंटीमीटर पीछे की तरफ जो है ज़्यादातर शटल्स गिरी उसी के अंदर या फिर लाइन पे या थोड़ा सा अंदर, तो कह सकते हैं कि ज़्यादातर शटल जो है वो एक्यूरेट थी। ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कुछ एक पूरी गेम और एक दूसरी गेम आधी गेम हुई थी, तो उसके बाद आप देख सकते हैं फेदर जो है ये कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने खा ली है। हालांकि कोई भी फेदर जो है वो नीचे से नहीं टूटा, सब बीच में से टूटे हैं। एक और शटल भी हमने ट्राई की और उसके भी फेदर जो हैं वो बीच में से टूटे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया कि लीडिंग स्ट्राइक में वॉबलिंग होती है, उस तरह की वॉबलिंग नहीं थी इसमें, काफ़ी कम वॉबलिंग थी। मतलब ये कि आप ऑलमोस्ट बहुत क्लोज होंगे सही जगह पे हिट करने के। तो कॉस्ट और फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो कॉस्ट की बता दूं कि ये आपको 1300-1400 रुपये में जो है अवेलेबल हो जाती है। प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लेटेस्ट डिस्काउंट लिंक्स में नीचे शेयर कर दूंगा। तो देखिए अगर आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर हैं, क्लब लेवल खेलते हैं, रिक्रिएशन लेवल खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और एक लो लेवल या एंट्री लेवल टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर है योनिक्स ACB TR क्लब, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी है, एंट्री लेवल है योनिक्स की, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और डक फेदर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, और आपको कॉम्पोजिट कॉर्क मिलता है। इसकी क्वालिटी जो है, इसकी साउंड कुछ अलग ही है। तो राइजिंग फ्लाइट हो या ड्रॉपिंग फ्लाइट हो, इसकी रोटेशन की बात हो, कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और हमारे 50 सेंटीमीटर के जो सर्कल में ऑलमोस्ट 75% शटल जो हैं उनकी एक्यूरेसी थी। डिस्टेंस स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट की बात करें तो बैक ऑफ द कोर्ट से थर्ड लाइन पे जो हमने हिट किया तो 15 सेंटीमीटर आगे और पीछे के दायरे में कुछ 8 से 9 शटल जो हैं वो बिल्कुल उसी के अंदर गिरी। देखिए ये शटल की हालत है, पूरी दो गेम चली है, कोई भी फेदर जो है इसमें पूरा नहीं टूटा। अगर ये भी देखेंगे तो ये भी यहाँ से टूटा है, यहाँ से नहीं टूटा, इस जगह से टूटा है, और दूसरा फेदर जो यहाँ से टूटा है वो भी आप देखेंगे आधे से टूटा है। पूरी दो गेम चली और इसमें मुझे वॉबलिंग जो थी वो नहीं मिली, बहुत मार्जिनल थी, और वो भी सिर्फ इसलिए नोटिसबल थी क्योंकि जब ये रोटेट करती है तो ये मिसिंग जो फेदर्स दिखते हैं तो उसमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद जो है इसकी फ्लाइट में डिविएशन हो रही है। तो कॉस्ट जो है इसकी फ्लक्चुएट करती है, अभी इस वक्त कुछ 1500-1600 रुपये की आपको ट्यूब मिल जाएगी। लेटेस्ट डिस्काउंट लिंक्स में नीचे शेयर कर दूंगा। तो फाइनल वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप ट्रू इंटरमीडिएट प्लेयर हैं तो ट्रेनिंग के लिए, क्लब लेवल के लिए, रिक्रिएशन लेवल के लिए, एंट्री लेवल टूर्नामेंट्स या लो लेवल टूर्नामेंट्स या फिर लोकल टूर्नामेंट जो है उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और आज की नंबर वन शटल जो है वो है वीडन मल्टी टू गूज फेदर शटल, जो आपको टूर्नामेंट लेवल की है और मेड इन इंडिया ये प्रोडक्ट है। लुक एंड फील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी फिनिशिंग जो है काफ़ी डिसेंट और इम्प्रेसिव है, और फेदर जैसे मैंने कहा कि गूस फेदर जो है, लेकिन वहीं पे आपको कॉर्क जो है वो मिलता है 2 लेयर नेचुरल कॉर्क, और नेचुरल कॉर्क की ड्यूरेबिलिटी जो है वो कॉम्पोजिट कॉर्क से हमेशा बेटर होती है। तो राइजिंग फ्लाइट हो या ड्रॉपिंग फ्लाइट हो, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो बैक ऑफ रिपोर्ट से जो हमने थर्ड लाइन पे से हिट किया तो ज़्यादातर जो है 8 से 9 शटल जो है वो थर्ड लाइन से 2-3 सेंटीमीटर आगे या पीछे, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में गिरी। इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी जो है वो तो अच्छी है ही, साथ साथ इसकी स्पीड जो है वो भी काफ़ी एक्यूरेट है। तो ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी डिट्यूरेशन, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एजेस पे फ्लफिंग है, ये नॉकड ऑफ हैं थोड़े से ऊपर से फेदर्स, और अगर आप शेप देखेंगे तो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। एवरेज इंटरमीडिएट 2 सिंगल गेम्स खेलने के बाद इसकी कंडीशन है, जिससे पता चलता है कि गूज फेदर की ड्यूरेबिलिटी जो है वो डक फेदर से आपको डेफिनेटली जो है वो बेहतर मिलती है। तो कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ 1600 रुपये के आसपास है। गूज फेदर शटल है टूर्नामेंट लेवल की, और अगर आप मेरा कूपन कोड PAWAN20 का यूज़ करते हैं इनकी वेबसाइट पे www.weedon.in, और दूसरा लिंक भी मैंने दिया हुआ है, तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो टूर्नामेंट लेवल की गूज फेदर शटल्स आपको मिलती हैं, ड्यूरेबिलिटी इनकी काफ़ी डिसेंट है। तो अगर आप एक ट्रू इंटरमीडिएट प्लेयर हैं, इंटरमीडिएट प्लस लेवल की प्लेयर हैं, ट्रेनिंग हो, क्लब लेवल हो, रिक्रिएशनल लेवल हो, टूर्नामेंट हो, उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी मेरी लिस्ट, और अगर आपकी भी कोई एक्सपीरियंसेस हैं इन सारी शटल्स को लेकर के, मैंने कुछ मिस आउट किया, कुछ गलत बताया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा। एंड अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वॉच हेल्दी वीडियोज, एंड हैव अ ग्रेट डे।